हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्कासिट्रॉन लिक्विड के बारे में। आज हम जानेंगे इस लिक्विड के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी वाले वी बटन को दबा दें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्कासिट्रॉन लिक्विड, जिसे ग्लूकोनेट हेल्थ लिमिटेड कंपनी बनाती है, जिसकी 100 ml लिक्विड की प्राइस 102 रुपये होते हैं, जिसे आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस लिक्विड के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस लिक्विड के अंदर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अल्कासिट्रॉन के अलावा अन्य पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो इसके अन्य पॉपुलर ब्रांड हैं, जैसे कि अल्कासॉल तथा सिट्रालका या सिट्राल, अल्कारेट, अल्कानॉल इत्यादि भी पॉपुलर ब्रांड से आप इस लिक्विड को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस लिक्विड के उपयोग के बारे में बात करें तो इस लिक्विड का उपयोग यूरिन यानी पेशाब में यूरिक एसिड या सोडियम या पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाते हैं, उस मात्रा को लेवल करने के नॉर्मल करने के लिए इस सिरप को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा यूरिन यानी पेशाब में जलन हो रहा हो, या पेशाब करने में दर्द हो रहा हो, या किडनी स्टोन की समस्या हो गया हो, या रुक रुक कर पेशाब आ रहा हो, या यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी हमारे पेशाब मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, या किडनी डैमेज हो गया हो, इन सब कंडीशन में आप अल्कासिट्रॉन सिरप को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा पेशाब के साथ ब्लड आ रहा हो तो डॉक्टरों के द्वारा एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ इस सिरप को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप के अन्य यूज़ के बारे में बात करें तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, जिससे गठिया रोग यानी हर जॉइंट में दर्द रहता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर भी इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये था दोस्तों अल्कासिट्रॉन सिरप के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब जान लेते हैं डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को 10 से 15 ml सुबह शाम 1 गिलास पानी के साथ उपयोग में दिया जाता है। उसके अलावा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस सिरप को उपयोग में नहीं करना है, तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चे में 5 ml सुबह शाम पानी के साथ उपयोग में दिया जाता है। दोस्तों, प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में बात करें तो जो किडनी, लीवर, हार्ट, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उसे इस सिरप को अपने से उपयोग नहीं लेना चाहिए। यदि उपयोग ले रहे हो तो डॉक्टर से सलाह विचार करके ही इस सिरप को उपयोग में लेना चाहिए। प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये सिरप ठीक है, फिर भी डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को एडिमा यानी हाथ पैर में सूजन की समस्या रहता है, उसे इस सिरप को उपयोग नहीं करना चाहिए, तथा जिस व्यक्ति को हाइपोकैल्शियम यानी कैल्शियम की कमी है, उसे भी इस सिरप को उपयोग में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस सिरप में उपस्थित कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना, पेचिस या एलर्जिक रिएक्शन, खुजली, लाल चकत्ते, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा हो तो इस सिरप को उपयोग करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो यह था दोस्तों अल्कासिट्रॉन लिक्विड या सिरप के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। सो धन्यवाद दोस्तों।